जी, मैं सबसे पहले रूबरू कराता हूँ, ये हमारे वहाँ बैठे हुए हैं लंबी मूछ वाले पदम सिंह जी हैं। ये बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म में को प्रोड्यूसर हैं। रजनीश मिश्रा जी हमारे परम मित्र हैं और ये इस फिल्म के निर्देशक हैं। इनकी शुरुआत मेहंदी लगा के रखना से हुई थी, उसमें मैं भी था, तो इनके बारे में क्या कहना। ये हमारे वन एंड ओनली द ग्रेट विलन संजय पांडे जी हैं, ये भी हमारे मित्र हैं। ये कल्लू जी हैं, ये हमारे भोजपुरी के भविष्य हैं ये, और मैं पास्ट भी था, वर्तमान भी हूँ और भविष्य भी रहूँगा। ये प्रदीप शर्मा जी हैं, इस फिल्म के निर्माता हैं, बाबा मोशन पिक्चर्स जो है उसके निर्माता हैं, और निर्मात्री हमारी ये है, इनकी धर्मपत्नी है और सह निर्मात्री कह लीजिए या इनकी सर्वांगिनी कह लीजिए, होम सर्वांगिनी मैंने बोल दिया, तो शब्दों का मतलब समझो। ये अनीता रावत जी हैं, बहुत ही अद्भुत अदाकारा हैं हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, इनका बहुत अच्छा योगदान, अभी हर फिल्म उधर फिल्म बढ़ रहा है और बहुत अच्छी डांसर रही हैं। इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार किया है और यही हमारा परिचय है। हमारे जो इस फिल्म के विलन हैं देव सिंह जी, वो शायद नहीं है, वो चेयर की कमी थी इसलिए वो उधर हैं। देव सिंह जी जो हमारी इंडस्ट्री के आज के डेट के सबसे होनहार विलन होते चले जा रहे हैं, यंग में, ओल्ड में संजय पांडे जी हैं। नहीं, मैंने बोला ना, मैं पास्ट भी था, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी रहूँगा। एक सुबोध सेठ जी हैं, वो भी इस फिल्म में नेगेटिव रोल किए हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। एक अरुण काका जी हैं, ये सब पर्दे के बाहर हैं, अभी उधर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे लोगों की मौजूदगी है। हमारी जो हीरोइन है सोनालिका प्रसाद जी, वो किसी कारणवश नहीं आ पाई, उनका फ्लाइट शायद मिस कर गया, कुछ तो हुआ है, और बाकी यही है हम लोग फिलहाल। क्या बाबा, आपने किडनैप तो नहीं किया ना फिर? मैं तो खुद ही यहाँ हूँ, किडनैप हुआ हुआ हूँ जी। पूछिए आनंद बाबा, कल्लू जी से पूछना चाहता हूँ राज तिलक के बारे में। कल्लू जी बताएं जरा राज तिलक के बारे में, आपका असल में राज तिलक किसका हो रहा है, आपका हो रहा है, मतलब क्या है बेसिकली राज तिलक किसका है? सबसे पहले तो आप सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ, और राज तिलक के बारे में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहली बार बाबा मोशन पिक्चर से जुड़ा मैं, जिसके प्रोड्यूसर राज तिलक के प्रदीप सर एंड अनिता मैम, और मेरी बहुत चाहत थी, जब भी मैं फिल्म देखता था, देखा मैंने मेहंदी लगा के रखना, तो सबका होता है कि मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करूँ, इस डायरेक्टर के साथ काम करूँ। तो एक दिन ऐसे ही सेट पर हम लोग काम कर रहे थे, तो मैंने बाबा से बोला कि मेरा भी इच्छा है कि मैं रजनीश मिश्रा जी के साथ काम करूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बाबा का कि उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की, और रजनीश सर का कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा करके और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, जब पहली बार सुना है तो ही मैंने बोला कि कुछ हो ना चाहे ना हो, कोई भी फिल्म बने ना बने, लेकिन राज तिलक जरूर बनेगी। और रही बात राज तिलक किसकी हो रही, तो इसके लिए आप लोगों को नज़दीकी सिनेमाघरों में जाना पड़ेगा। 12 जुलाई को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, तो आप सभी से बस यही निवेदन है कि अपने अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं और आप लोग देखें कि राज तिलक किसकी हो रही है। संजय जी, आप कल्लू के राज तिलक में इनकी मदद कर रहे हैं या फिर इनके बाधाएं डाल रहे हैं, इनके राज तिलक में रोड़े अटका रहे हैं? नहीं, मैं रोड़े ही अटका रहा हूँ, मदद नहीं कर रहा हूँ इस फिल्म में, विलन ही हूँ मैं, जैसा कि अवधेश जी ने प्रमाणित किया अभी कि मैं विलन करता हूँ तो बड़े भाई का आदेश कैसे मैं टाल सकता हूँ तो मैं विलेन ही हूँ इस फिल्म में। और बहुत, जैसे कहा जा, रजनीश जी के साथ मेरी तीसरी फिल्म है, बीच में एक डमरू में नहीं था बस मैं, बाकी जो फिल्में लगातार इन्होंने की उसमें मैं रहा हूँ। प्रदीप जी के साथ पहली बार काम किया इनके प्रोडक्शन में, तो एक मुझे लगता है कि एक ख़ास बात जो मैं अपने डायरेक्टर के बारे में कहूँ कि ये बहुत अच्छे अभिनेता हैं। एक निर्देशक जब खुद अभिनेता होता है तो अभिनेता की समस्या को समझता है और वो बारीकियों को जानता है, तो इनकी फिल्मों में मैं इन्हें ही फॉलो करता हूँ और बाकी कुछ नहीं। एक कलाकार है, मैं इस राज तिलक के बारे में एक चीज़ बताऊँ, अमूमन फिल्में तो हमने बहुत ही की हैं, मुझे याद भी नहीं है गिनती, कभी गाना नहीं, लेकिन राज तिलक एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म है, एक कहानी है, उसके हिसाब से किरदार है। अमूमन फिल्में होती है, एक हीरो होता है, उसके हिसाब से फिल्म होती है। ये एक सिनेमा है जिसके हिसाब से हीरो का भी चयन है, विलन का भी चयन है, चरित्र अभिनेता का भी चयन है, चरित्र अभिनेत्री का भी चयन है, सारे जो चयन हुए हैं सिनेमा की कहानी के हिसाब से हुए हैं। और रजनीश जी की खासियत रही है कि ये सब्जेक्ट प्रधान फिल्में ही बनाया इन्होंने अभी तक, ये उनकी चौथी फिल्म है,
इसके पहले भी 3 फिल्म जो बनी है इनकी, मेहंदी लगा के रखना से लेके डमरू तक, डमरू आज नेशनल अवार्ड में जा रही है, बाबा मोशन पिक्चर की है वो भी फिल्म है डमरू, तो भोजपुरी के लिए बड़े सम्मान की बात है कि इस बैनर के तले, रजनीश मिश्रा के निर्देशन के तले ये फिल्म नेशनल अवार्ड में गई है। सिनेमा राज तिलक एक मेरे हिसाब से आज तक मैंने जितनी फिल्में की है सब में अभिनय प्रधान सर्वोपरि फिल्म यही है, जिसमें हर एक्टरों ने इतनी शिद्दत से काम किया है और उस पर कैरेक्टर ऐसे सटीक जा कर के चिपक गया है कि अगर 2 मिनट के लिए भी किसी की उसमें उपस्थिति है वो भी अपना 100% दिया है और वो सिनेमा में दिख जाता है। हिंदी इंडस्ट्री में एक फिल्म आई थी शोले, जिसमें 2 मिनट का किरदार कोई आता था तो वो याद रहता था। ये फिल्म में ऐसी ही एक पटकथा की गई है जिसमें हर किरदार आपको याद रहेंगे, जो दर्शक देखेंगे हर किरदार अपना प्रभाव छोड़ के गया है। इसमें कोई मेन नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर लोग अपने अपने किरदार को भली भांति निभाए हैं। हीरो कल्लू है, इसमें कोई शक नहीं है। कई सुपरस्टार साथ काम किया है, अरविंद अकेला कल्लू कितना पसंद किया उसमें? ये मेरा बिलीव है, कल्लू के साथ मैं लगातार अभी कई फिल्में कर रहा हूँ और इसमें वो हर संभावनाएं हैं जो जाने अनजाने लोग अभी तक मिस कर रहे थे। हमारे कलाकार भी संपूर्ण तो कोई नहीं होता है हमारे दुनिया में, इस जीवन में हम सब कहीं ना कहीं से अधूरे हैं, आधे अधूरे हैं, गलतियां हम सब करते हैं, नहीं तो हम इंसान नहीं रहते। कल्लू की भी कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, इसको धीरे धीरे दूर करेंगे, लेकिन इनमें बहुत संभावनाएं हैं जो इनकी उम्र के हिसाब से, इनके कद के हिसाब से, इनके अभिनय शैली के हिसाब से, इनकी गायकी के हिसाब से, इनके डांस के हिसाब से, हर तरीके से ये हर क्षण कोशिश करते हैं। नहीं तो मुझे याद है जब इनके साथ एक बच्चे थे तो मैंने एक फिल्म किया था दयावान, और वो बताशा चाचा, वो संजय पांडे जी उसमें विलन थे, मैं गेस्ट अपीयरेंस में आया था, मनोज टाइगर तिवारी जी दयावान में मनोज, तो वहाँ पे मैंने जब इनको देखा था तो मुझे यकीन ही नहीं होता था कि ये कहाँ से एक्टर बन पाएगा, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना संवारा, इतना सजाया, और देखते देखते हुनरमंद निर्देशकों के हाथ में ये पढ़ते चले गए और आज ये इतना खिल के आ रहे हैं कि इनके साथ काम करना बड़ा प्राउड होता है कि मैं कल्लू के साथ काम कर रहा हूँ और अच्छा लगता है। और इंडस्ट्री में बदलाव तो आती रहनी चाहिए, वक्त बदला है, संजय पांडे ओल्ड विलन बन गए, देव सिंह यंग विलन बन गए, अवधेश मिश्रा चरित्र रोल में चले गए, देव हटेंगे कोई और आ जाएगा, टाइगर की जगह मटरू इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार किया है, रोहित सिंह मटरू बड़ा इन कॉमेडी में वो महारथी हासिल किए हुए, आनंद मोहन जी हैं, तो कल्लू में वो विशेषता मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे इसमें जो एक अभिनेता के रूप में जो सारे गुण अंदर समाते जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे हमारे भोजपुरी के लिए, हम सब तमाम कलाकारों के लिए जो हम कलाकार हैं, हम हीरो के बाद की जो श्रेणी होती है ना बड़े निरीह होती है, उस निरीह श्रेणी में हम भी आते हैं, संजय पांडे जी भी आते हैं, देव सिंह जी भी आते हैं, निरीह बहुत सारे मायनों में होती है लेकिन परफॉर्मेंस में हम लोग बाजी मार जाते हैं। संजय जी एम आई रॉन्ग? बाबा मोशन पिक्चर जिसके प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा सर, इन्होंने राज तिलक प्रोड्यूस किया है। बस मैं ये कहूँगा कि ऐसा कभी नहीं लगा कि मैंने प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहा हूँ या मैं कहीं पे साइन करके ये फिल्म बना रहा हूँ। ऐसा लगा कि जब हम लोग सुशील भैया के गांव पे शूटिंग कर रहे थे राज तिलक, और इतनी धूप थी, 40+ डिग्री टेम्परेचर था उस समय, उतनी धूप में सारे लोग कोई नहीं काम करेगा, लेकिन राज तिलक की जो टीम थी, जो एनर्जी लेवल था, हम सारे कलाकारों को शक्ति देती थी, और शक्ति का सारा श्रेय हम प्रदीप सर को देना चाहेंगे। एक फैमिली की तरह, एक बेटा की तरह इन्होंने ट्रीट किया, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं हीरो हूँ, बस एक ही बात बोलते थे कि तुम बाबा मोशन के हीरो नहीं हो, तुम बेटा हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सर ने मुझ पर इतना भरोसा कर। मैं एक चीज़ क्षमा चाहता हूँ कि हमने एक शख्सियत का नाम नहीं लिया, सुशील सिंह जी, जिनका इस सिनेमा में जितना बड़ा योगदान है, इस सिनेमा की मेकिंग में उतना ही बड़ा योगदान है उनका। इसमें पोस्टर पे दिख रहे होंगे सुशील जी, और मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज था कि सुशील सिंह जी मेरा बेटा बने हैं, सुशील सिंह जी और कल्लू जी, तो सुशील जी ने एक बहुत ही अहम भूमिका इस फिल्म में निभाया है और बहुत शिद्दत से निभाया है, शायद उनके लिए भी एक बड़ी अविस्मरणीय फिल्म होगी। क्या बाबा, थोड़ा सा पोस्टर के बारे में बताएं, आपका लुक भी बहुत डिफरेंट दिख रहा है, लाइक रजनीकांत। पता नहीं, मैं तो भोजपुरी का ही हो जाऊँ, बहुत अभी तो भोजपुरी में मान्यता मिली है नहीं मिली है ये भी मुझे नहीं मालूम है,
तो ये सब श्रेय हमारे एक ही मित्र का जाता है, उसका नाम रजनीश मिश्रा है, जिन्होंने मेरे पे आज तक का सबसे ज़्यादा एज एन एक्टर यकीन किया है। और इनकी समझ से कहिए या नादानी से कहिए, इन्होंने जो भी फिल्में बनाई है मेरे लिए बना दी है। उस जो भी मेहंदी लगा के रखना में पिता का किरदार सेहरा, सेहरा संजय जी के लिए बनी थी, उसमें ये मेरे छोटे भाई थे। नहीं, बन तो आप ही के लिए नहीं थी, वो भी आप ही के लिए बनी थी। भोजपुरी फिल्मों को काफी व्यूअर्स मिल रहे हैं, लेकिन सिनेमा घरों में दर्शक नहीं जा पा रहे, इसकी क्या वजह? वजह दर्शक है, दर्शकों को जिस तरह की फिल्म चाहिए उस तरह की फिल्म अब लोग बनाना बंद कर रहे हैं। राजतिलक जैसी फिल्म आएगी तो दर्शक को थोड़ा झटका तो लगेगा, क्योंकि उनको वही चोलिया और उसी समय वो घुसे रहे हैं, उनको आज भी सिंगर हीरो ही चाहिए। क्यों चाहिए सिंगर हीरो? परफॉर्मेंस वाली फिल्म क्यों नहीं देखते जैसे हिंदी इंडस्ट्री में चलती है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में? दर्शक ही दोषी हैं, वो सिनेमा घर में जाकर के शर्ट उतार करके गर्मी में वो गाने पे सिक्के उछालते हैं। बड़ी संवेदनशील फिल्मों में भी ऐसे गाने मजबूरी में डाले जाते हैं जो दर्शकों के पसंद का, ये मेरी समझ से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज सिनेमा की जो दशा और दिशा सिनेमा घरों में है, यूट्यूब पे वो लोग क्यों देखते हैं फिल्म, सिनेमा हॉल में नहीं जाते हैं? पैसा खर्चा करेंगे तो वो जैसे गांव में नाच देखने जाते हैं तो नाच पे खूब पैसा लुटाते हैं, वैसे सिनेमा घरों में वैसी फिल्मों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वैसे गानों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो दोषी सिर्फ और सिर्फ दर्शक हैं, सिनेमा बनाने वाले भी हैं, लेकिन सिनेमा बनाएंगे तो कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से करेंगे क्या, उनको वो करना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपने दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ, दर्शक ही दोषी हैं, वो अच्छी फिल्मों को जिस दिन सिनेमा घर में जाके देखने लगेंगे, सिनेमा घरों की हालत भी सुधरेगी, सिनेमा मालिकों का विचार भी बदलेगा, और हमारे जो कलाकार लोग हैं उनकी अपनी सोच, मेकरों की सोच सब बदलेगी, और रजनीश मिश्रा जैसे निर्देशक अपने आप को पूरी तरह से फैला सकते हैं कि हम हैं जो सिनेमा बनाते हैं। ऐसे मेकर, प्रदीप शर्मा जैसे मेकर जो सिनेमा को एक नई दिशा देना चाहते हैं, नेशनल अवार्ड तक तो पहुंचा दिया, लेकिन वो फिल्म थिएटर में सक्सेस नहीं हुई। रीज़न यही है कि उसमें बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी मेकिंग के साथ, अच्छे परफॉर्मेंस के साथ फिल्म आई थी, तो दर्शकों ने नहीं सारा है, उसमें खेसारी जी भी हीरो थे। तो रीज़न केवल दर्शक है, दर्शक को खेसारी जी का वही चोलिया कमरिया और एल्बम, गाने के नाम पे एल्बम, हमारे बगल में जो सिंगर हीरो है ये भी वैसे ही हिट हुए हैं एल्बम लगा देना चुलिया के हुक राजा जी। क्षमा चाहता हूँ मेरे कल्लू जी से भी, दर्शक यही सब चाहते हैं तो क्या करेगी हमारी, हम चाहते हैं कि अच्छा सिनेमा बनाए, हम एक संवेदनशील कलाकार हैं, हमें लगता है कि सिनेमा अच्छा रुख हो, लेकिन दर्शक उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। राजतिलक अगर एक्सेप्ट हुआ तो मान लूंगा कि दर्शक में भी बदलाव आया है, जैसे मेकरों में बदलाव आया है, कलाकारों में बदलाव आया है, ये मेरी सोच है, हो सकता है सही हुआ है। कल्लू जी, चलते चलते कल्लू जी से कि अभिनय की अगर बात करें तो कल्लू जी का अभिनय जो है वो चक्की की तरह है जो स्लो चलती है, उसको तेल पानी लगा कर चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके अभिनय को देखिए अपने, इस राजतिलक में आपका किसका कैसा किरदार है, इन दिग्गजों के साथ आपने अभिनय करके कैसा फील कर रहे हैं, और अपने अपने बारे में बताया अभिनय के बारे में, तेल पानी लगा के चलाया जा रहा है, ये समझा नहीं है शब्द क्या था? चक्की पुरानी चक्की होती है, उसको तेल पानी लगा के चलाया जाता है। पुरानी चक्की कौन है? तुम्हारे पे नहीं है, बताया कल मैं भी सवाल को समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, मतलब अभिनय जो है थोड़ा ना कम ज्यादा अभिनय चल रहा है। देखिए मैं क्लियर कर, अभिनय का छाप नहीं दिखा उसमें। देखिए कोई भी बच्चा होता है पेट से सीख के तो आता नहीं है, मौका वैसी फिल्मों का, लेकिन कैसे बाबा ने बोला कि अगर आप में बहुत सारा टैलेंट है, आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन आपको वैसी फिल्म ना मिली हो, तो ये मेरी किस्मत कही जाएगी कि मैं वैसा फिल्म नहीं कर सका। और उम्र का भी एक बात होती है, अगर बचपन में ही मैं सलमान खान बन जाऊँ तो हर बच्चे पैदा होते ही सलमान खान बन जाएंगे, एक एज होती है, एक मैच्योरिटी होती है, और अभी मेरा एज हुआ है कि मैं ऐसा फिल्म करूँ, मुझे वैसी कंसेप्ट मिल रही है, और आपने बोला मैं आपकी बातों को सम्मान करता हूँ, कोशिश करूँगा कि और अच्छा अभिनय करूँ, और राजतिलक देखने जाएंगे लोग तो मुझे पूरा उम्मीद है, वैसे तो लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं मानता हूँ क्योंकि कलाकार हर रोज़ सीखते हैं, लेकिन राजतिलक जब आप लोग देखने जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं अब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। कल्लू जी, इसी से कंटिन्यू सवाल यह है कि जैसा कि अजय जी ने कहा
कि भैया दर्शक ही दोषी है। आपको भी लगता है कि अगर चुलिया के गाने आप बनाते हैं और लोग उसे सुनते हैं, आपने बनाया तो लोगों ने सुने, तो वो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आप भी मानते हैं कि दर्शक ही जिम्मेदार है? देखिए ठीक है, मैं मान लिया कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं वैसे गाने बनाता हूँ, लेकिन जैसे मीडिया से भी जुड़े बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, हम लोग भजन बनाते हैं, हम लोग देवी गीत गाते हैं, सावन के गीत गाते हैं, आप लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, आप लोग बस एक ही लाइन लिखते हैं कि कल्लू ने गाया अश्लील गाने। और रही बात अश्लील गाने, हम लोग गाते हैं, अगर दर्शक ना सुने तो हम लोग गाना बंद कर देंगे। तो रही बात ठीक है, हम अपनी मानते हैं कि मैंने अगर गलतियाँ की हैं, मैंने बचपन में जाने अनजाने कुछ गीत गा दिए हैं, लेकिन फिल्मों में अभी हम लोग फिल्म की बात कर रहे हैं, एल्बम की होगी तो उस दिन एल्बम का एक अलग पार्टी रखेंगे, फिल्म में कभी भी अश्लीलता नहीं रही है, चाहे वो राज तिलक हो या इसके पहले रजनीश सर ने बनाया मेहंदी लगा कर रखना, चाहे मैंने बनाया आवारा बलम, चाहे जो भी फिल्म, फिल्मों में कभी अश्लीलता नहीं रही है। फिल्म में सेंसर बोर्ड होता है जो कि सेंसर पास करता है, तो मैं ये मानता हूँ कि बाकी फिल्मों के नहीं लेकिन इस फिल्म की बोलूँगा कि राज तिलक एक बेहद ही पारिवारिक फिल्म है, आप लोग पूरे परिवार के साथ इसे जाके देख सकते हैं, और ये फिल्म देखने के बाद आप लोग को प्राउड होगा कि नहीं भोजपुरी में कोई फिल्म आई है जो है राज तिलक जो अच्छी फिल्म है। अच्छा संजय जी, भोजपुरी में तकरीबन 13 करोड़ दर्शक है, जबकि साउथ में एक स्टेट में 4.5 करोड़ 4 करोड़ दर्शक है, वहाँ 100 करोड़ की फिल्में बनती हैं वो रिकवर कर लेती है, लेकिन आपकी भाषा में 1 करोड़ की फिल्में बनती है वो अभी रिकवर नहीं कर पाती, इसकी वजह क्या? नहीं, फिल्में तो 1 करोड़ से ज़्यादा बजट आया है, रिकवर किए हैं, लेकिन ये कि हमारे उसमें मुझे टेक्निकली बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट एक ऑडियंस है जो एक तबका है जो सिनेमा हॉल तक नहीं जाता हमारा। सर वो तबका अभी नहीं ठिठका है हमसे, अभी तो हमने जो शुरुआत हुई 2004 से ससुराल से तो अच्छी फिल्में ही बनी हैं, आई थिंक एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं वो लोग भोजपुरी को लेकर, परिवेश का भी असर, और अभी जो दौर है मुझे लगता है अभी जो फिल्में बन रही हैं वो उन दर्शकों को ध्यान में रख के बन रही हैं, लेकिन उनके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है भोजपुरी को लेकर, उस चक्कर में अच्छी फिल्में भी मारी जा रही हैं। जो अवधेश जी ने बात कही मैं उससे सहमत हूँ कि हाँ आप देखिए तो हम आपको सब दे रहे हैं, अगर आपने खराब देखा तो अच्छा भी तो देख लो एक बार, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी आदत बदलने की, चले गलती हम ही ने की तो सुधारेंगे भी हम ही, अगर आपने चोली पकड़ा है तो सर हम आपको आरती भी दे रहे हैं, हम आपको अच्छी चीज़ें भी दिखा रहे हैं, और राज तिलक उसी कोशिश की एक में बहुत बड़ी शुरुआत है मुझे लगता है, तो ऑडियंस आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस है, अगर ऑडियंस नहीं होती तो यूट्यूब पे भी नहीं होती, दर्शक तो है, ये कोई नहीं कह सकता कि भोजपुरी में दर्शक नहीं है, वरना इतने करोड़ हमारी दर्शक नहीं जाते, अब वो दर्शक बढ़ गए हैं, कुछ यूट्यूब में चले गए, कुछ चैनल में देख रहे हैं, कुछ सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, कोशिश है कि वो सब एक जगह इकट्ठा हो, और राज तिलक उसी दिशा में मुझे लगता है एक सफल कोशिश है। संजय जी, आपको कब-कब लगता है, कब-कब ऐसा लगता है कि आपने ईमानदार कोशिश की, आपकी पेटर्निटी ने ईमानदार कोशिश की, अच्छी फिल्म बनाई, नाम से बताएं मुझे, और दर्शकों ने उसे नकार दिया, आपने मेहंदी बनाई लोगों ने बहुत पसंद किया, हाँ बताएं जरा कि कौन-कौन सिर्फ सिर्फ मेरी फिल्में नहीं है, सबकी बात कर रहा हूँ, मेरी फिल्में नहीं है, हर अलग अलग निर्देशकों की बहुत सारी फिल्में, जैसे कल्लू जी ने की थी आवारा बलम, बहुत प्यारी फिल्म बनाई थी चंदन उपाध्याय ने वो, और सहरा बांध के रखना ये भी एक बहुत अलग फिल्म बनाई थी, उसमें कहीं से कोई वैसा वल्गर है वो नहीं था, एक तीन भाइयों की कहानी थी और बड़ी खूबसूरत कहानी थी, और अवधेश जी की लाइफ में मेरी उसमें भी ऐसी बहुत फिल्में हैं, मैंने एक फिल्म की थी महेश पांडे डायरेक्टर थे उसके, रानी चली ससुराल, कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं था, नहीं चली हॉल में, सपूत बनाई उन्होंने खेसारी जी और मनमोहन तिवारी को लेके, नहीं चली हॉल में, डमरू एक बहुत बड़ा उदाहरण है, डमरू हाँ डमरू इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई थी प्रदीप जी ने, रजनीश जी ने एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया था, सर ढेरों ऐसी फिल्में हैं, वो जो बात कही कि ऑडियंस को आदत पड़ी है, ये ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट कर रही उस चीज को, थोड़ा समय लगेगा, एक पूरा परिवर्तन होने में झटके से नहीं होगा सर। 8 जुलाई को रिलीज हो रही है बिहार और झारखंड में, यूपी में और यूपी में पंजाब और पंजाब में भी, तो मुंबई में भी, बॉम्बे में भी, हर जगह 12 जुलाई, तो हर जगह हमारी फिल्म 12 जुलाई को रिलीज हो रही है राज तिलक। प्रदीप जी, आपने हीरो को बताया नहीं कि कहां-कहां फिल्म रिलीज हो रही है, कहां नहीं रिलीज हो रही है, इन्हें ही नहीं बताया तो दर्शकों को क्या बताएंगे? उनका काम था अच्छी एक्टिंग करना जो उन्होंने किया, और एक्टर का काम होता है इधर से निकले उधर घुस गए, अब उस फिल्म का क्या होगा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही सोचता है, तो हम लोगों ने उसके बाद का ध्यान रखा, एक डेट फिक्स की और इनको बताया, और इनकी आज एक फिल्म भी रिलीज हुई है, फिर भी यह इसीलिए आए हैं कि प्रमोशन हो सके।
तो इनका काम अब शुरू हुआ फिर। कहाँ कहाँ जा रहे हैं प्रमोशन करने, जरा बताएं। 10-12 दिन है, 15 दिन नहीं, आप लोग है ना प्रमोशन के लिए क्यों जाएंगे? आपसे बड़ा प्रमोशन क्या? सबसे पहला तो यही है जो आप लोग आए, ये सबसे बड़ा प्रमोशन। देखिए ऐसा है कि राज तिलक जो है वो सिनेमा ऐसा नहीं है कि मेरी अकेले की सोच है। जो प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा जी मुझे मिले हैं वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमेशा सोचते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ अलग किया जाए, और उसमें कुछ साथी ऐसे मिल जाते हैं जैसे पदम भैया हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं। इन लोगों ने उस सोच को, जो मेरी एक ख्याल था कि कुछ हमारे यहाँ जो वर्चस्व की एक लड़ाई होती है जिसमें हर आदमी कोशिश करता है कि मैं बड़ा हूँ, चाहे वो कोई राजनीतिज्ञ हो या कोई वहाँ का जमींदार हो या कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, तो उन लोगों की ये अंदर, ये हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में खासकर है कि अपने वर्चस्व की लड़ाई और वर्चस्व को दिखाना चाहते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के और अंग्रेजी की एक फिल्म जिसको देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ था, गॉडफादर, तो मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल हमारे परिवेश की बात है जो हमारे यहाँ होता है, और उसी से ये राज तिलक का पूरा मैंने ताना बाना बुना और अब उसको बना करके आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। कैसे ये हुआ जी, राज तिलक बनाई जाए, कहानी पे कैसे आप दोनों कन्विंस हुए एक साथ? नहीं, एक्चुअली कहानियों पे हम एट वंस कन्विंस नहीं होते हैं, और प्रदीप जी की ऐसी बात है कि प्रदीप जी मेरे से कई कहानियां सुनते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो सुना देता हूं वो फाइनल ही हो जाता है। उसके बाद पदम भैया बैठते हैं, कभी कभी अनीता मैडम बैठती हैं, अवधेश जी होते हैं, और भी हमारे ग्रुप के काफ़ी लोग एक साथ बैठ करके कई कहानियों के ऊपर सोचते हैं, विचार करते हैं, और फिर हम लोग सोचते हैं कि इसको बनाया जाए। और मैं खासकर इस बात को लेकर के धन्यवाद दूंगा प्रदीप जी का कि इसके पहले उन्होंने डमरू बनाई, और डमरू बनाते हुए मैंने उनको बोला था कि सर ये सब सब्जेक्ट, क्योंकि मैं डायरेक्टर से पहले 100 फिल्मों का कम से कम म्यूजिक डायरेक्टर रहा हूँ, और भोजपुरी के इस दौर में चाहे वो निरहुआ रिक्शा वाला हो, निरहुआ हिंदुस्तानी हो, पटना से पाकिस्तान हो, इन सारी फिल्मों का गाना मैंने बनाया है। तो 100 फिल्मों सुपर हिट फिल्मों, उसमें से कम 15 से 20 फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं, उनका म्यूजिक डायरेक्टर, मुझे पता है कि क्या चीज़ें हमारे दर्शक देखना पसंद करती हैं। मैंने प्रदीप जी को बताया कि सर आप ठीक है, भगवान भोलेनाथ के प्रेम में ये सिनेमा बनाने के लिए मुझे कह रहे हैं कि आप डमरू बनाइए, भोलेनाथ के ऊपर कोई सिनेमा बनाइए, पर हमारा जो दर्शक वर्ग है, जो लोग भगवान की भक्ति को समझने वाले लोग हैं, शायद वो सिनेमा हॉल तक नहीं आएंगे। और जब उसका रिजल्ट आया तो बिल्कुल वही आया जो मैंने बोल रखा था। इसके बावजूद प्रदीप जी ने कहा कि नहीं, मुझे बनानी है। ठीक है, आंधियाँ चल रही हैं एक दूसरे किस्म की, पर इसमें एक नई बयार भी बहाने की कोशिश किया जाए, एक नई ताज़ी हवा भी चलाने की कोशिश किया जाए, हो सके लोगों को उसकी सुगंध थोड़ी थोड़ी पसंद आए। और आज जब वो फिल्म नेशनल अवार्ड तक पहुंची तो बहुत ही खुशी हुआ। उसी का अगला क्रम है जहां पे मेरी फुल लिबर्टी ने काम किया है, और मैंने अपने ढंग की एक सिनेमा बनाई है, जैसे मैंने मेहंदी बनाया था, मैंने जैसे सेहरा बांध के आऊँगा बनाया था, बिल्कुल वैसे ही सिनेमा मैंने बनाया है राज तिलक। और राज तिलक देखने वाले दर्शकों को, जो भी देखेंगे, उसको इससे नहीं नापने की ज़रूरत है कि उसमें कल्लू हीरो हैं या खेसारी जी हैं या दिनेश जी हैं या पवन जी हैं। एक सार्थक फिल्म है, एक सार्थक प्रयास है, और उसके बेसिकली अगर मैं बोलूं तो उसके हीरो हैं हमारे अवधेश मिश्रा जी, संजय पांडे जी, सुशील सिंह जी, कल्लू जी, पदम सिंह जी, यानी कि मैंने जो कैरेक्टर उस फिल्म में लिया है वो सारे के सारे हीरो हैं। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप ये रियलाइज़ होगा कि इसमें कोई एक पार्टिकुलर हीरो नहीं है, इसमें जितने कैरेक्टर लिए गए हैं वो सारे के सारे हीरो हैं। पदम जी, बेसिकली जब आप अच्छे एक्टर हैं, एस्टैब्लिश हैं, हिंदी में अच्छा करियर चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, अचानक आपको को प्रोड्यूसर या फिर फिल्म बनाई जाए, या ख्याल कहाँ से आया? मुझे नहीं पता आपने पहले फिल्म बनाई या नहीं, बट प्रदीप बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रदीप भैया जो हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, हम लोग सबसे पहले 1-13-7 में जुड़े थे, 1 से 1-13-7 उन्होंने बनाई, और वहाँ से ऐसा तारतम्य बन गया हमारा कि उसके बाद हम, प्रदीप भैया ने कहा कि चलो हम लोग
अलग से फिल्में बनाते हैं, तो प्रदीप भैया के मार्गदर्शन पे हम लोग बनाना शुरू किए, क्योंकि प्रदीप भैया की सोच जो है अलग किस्म की थी। वो फिल्म बनाना चाहते थे, फिल्म के साथ समाज को भी ध्यान में रखते हुए बनाना चाहते थे। उन्होंने जो डमरू जो फिल्म बनाई, आस्था के ऊपर फिल्म बनाई और भोजपुरी के ट्रेंड को बदलने की कोशिश की, भोजपुरी के दर्शक को खींचने की कोशिश की। कहते हैं कि महिलाएं भोजपुरी फिल्म देखने नहीं जाती हैं, इसलिए उन्होंने इस सोच को डेवलप किया कि हम एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जिससे घर की महिलाएं, परिवार का पूरा हिस्सा एक साथ बैठकर ऐसी फिल्मों को देखे। और ये एक ऐसी फिल्म है डमरू जिसमें संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे रजनीश जी ने ऐसा प्यारा संगीत दिया है भक्तिभाव से कि जो भी व्यक्ति देखेगा, हम उससे निराश नहीं हुए हैं। जनता ने हमको निराश किया है, ऑडियंस ने हमको निराश किया है, लेकिन हम उस फिल्म से निराश नहीं हैं। तो उसकी जो भी कमियां थी उन सारी कमियों को दूर करके हमने ये राज तिलक बनाया। जी, आपके बहुत अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं और आपने नरेंद्र मोदी को तो राज तिलक लगवा दिया, तो ये राज तिलक क्या भोजपुरी दर्शकों को राज तिलक लगाएगी? निश्चित तौर पर लगाएगी। जैसा कि अभी भाई साहब ने एक सवाल किया था कल्लू को लेके, कि कल्लू को पुरानी चक्की होती है उसमें तेल वेल लगा के उसको दुरुस्त बनाया जाता है, लेकिन राज तिलक इस बात को प्रूफ कर देगी कल्लू को कि कल्लू भविष्य है इस भोजपुरी फिल्म का। उसने इतनी इतने डूब कर फिल्म की है, अभूतपूर्व क्षमता है उनके, और उनकी उस क्षमता को निकालने का श्रेय जो जाता है, छेनी और हथौड़ी जो है गुरु के हाथ में होती है तो मूर्ति बन जाती है। ऐसा ही काम रजनीश जी ने किया है और उसका प्लेटफॉर्म जो बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, प्रदीप जी ने पिक्चर सुनी, कई पिक्चरें सुनते हैं वो, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमको करना क्या है, और उसके बाद उन्होंने राज तिलक में जो कमियां डमरू में रह गई हैं उसमें राज तिलक में पूरी करने की कोशिश की है और जन अपने ऑडियंस को खींचने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर ये ऐसी एक फिल्म है राज तिलक कि जो जैसे मोदी का राज तिलक होता है, इसमें भी निश्चित तौर पर सबका राज तिलक होगा। ये बुराई से, बुराई को मारकर अच्छाई की तरफ जाने वाली पिक्चर है और ये निश्चित तौर पर सबको आकर्षित करेगी और हर परिवार की एक कहानी है। कहीं ना कहीं अगर हम उस परिवेश में जाते हैं तो हमको अपने ही परिवार की वो कहानी नजर आएगी। कैरेक्टर उसमें सब हैं, परिवार के हिस्सा हैं, सब हीरो उस पिक्चर में। और उसमें जो एक्शन किया है हीरालाल जी ने, कमाल का एक्शन किया है, उसमें दिखता है कि उसने उन्होंने अपना सबसे अच्छा 100% देने की कोशिश की। ये बहुत ही आनंद जी, आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है और ये बताते हुए मुझे एक तरह से गर्व भी हो रहा है इस बात को कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ पिलर्स हैं एक्टिंग में, उसमें से एक नाम अवधेश मिश्रा, दूसरा नाम सुशील सिंह, तीसरा नाम संजय पांडे, गोपाल राय भैया हमारे हैं, देव सिंह, पदम भैया, ऐसी हस्तियों के बीच में, ऐसे गुणी कलाकारों के बीच में कल्लू जी ने काम शुरू किया। और होता क्या है अमूमन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि जो भी इसमें कलाकार आता है, हीरो होता है, वो पहले से ही गायकी के फील्ड में स्टार होता है और वो ये समझ नहीं पाता है कि इन जिन कलाकारों के साथ हम काम कर रहे हैं उनके सामने एक्टिंग के मामले में हमारी हैसियत क्या है। जब एक्टिंग करता है तो सीखता कम है, सिखाने ज़्यादा लगता है। मैंने जो देखा है, मैंने कल्लू को पहली बार ही, जैसे पहला दिन था, मैं बोला कि देखो मैं ऐसा कुछ भी विशेष नहीं करवाता हूँ और खुद भी म्यूज़िक डायरेक्शन से आया हुआ आदमी हूँ, न पहले कोई ज्ञान लिया है डायरेक्शन का और न ही किसी को असिस्ट किया है कि ये सारी चीज़ें पता है, पर मैंने सिर्फ जाना है, सीखा है इन्हीं लोगों से, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, सुशील सिंह, गोपाल राय, किरण यादव, ये लोग किताब हैं। इनको अगर देख लिए, इनको अगर समझ लिए और इनकी जो एक्टिंग है उसका रिएक्शन दे दिए आप, तो आप एक कुशल अभिनेता हो गए। कल्लू ने वही किया और जैसे भाई साहब पूछ रहे थे कि चल रही है इनकी गाड़ी, मैं इस फिल्म को करने के बाद जो एक्टिंग का पार्ट कल्लू ने किया है, चूँकि आप सब प्रतिदिन नई फिल्मों की विवेचना कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसका क्रिटिक्स कर रहे हैं, तो आप लोग को हक है बोलने का, पर इस फिल्म में जो इन्होंने काम किया है वो देखने के बाद आप लोग की धारणा चेंज होगी और आप लोग ये बोलेंगे कि कल्लू एक परिपक्व अभिनेता बनने की ओर अग्रसर है। पहले तो
पहले तो सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पे आए। हम लोगों का राष्ट्र का पहला प्रमोशन है सर, और बहुत खुशी हो रही है आप लोग सामने हैं। और जहाँ तक रही सर ने बोला कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपने ट्रेलर देखा होगा इसलिए शायद आपने बोला होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत हमारी को प्रोड्यूसर है अनीता राव। अनीता जी, अनीता जी दोनों महिलाओं के लिए क्या कुछ खास कहना चाहती हैं? अनीता जी एक मिनट, आपके साथ तीन को स्टार थे, सुशांत सिंह जी थे, संजय पांडे जी थे, अवधेश मिश्रा जी, तो तीनों में कौन बेहतरीन एक्टर? पहले तो मैं ये बता दूं कि राजतिलक मेरी पहली फिल्म है। संजय जी प्रश्न सुने ना, और जहाँ पे मुझे धुरंधर आर्टिस्ट मिले साथ में, वो आर्टिस्ट जितने भी मेरे थे वो बहुत बड़ा नाम है वहाँ, अवधेश जी हैं, सुशील जी हैं, संजय जी हैं, पदम भैया है, हमारे डायरेक्टर हैं रजनीश सर, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस पहले होता है कि मैं न्यू आई थी और मेरी पहली फिल्म है तो थोड़ा डर रहता है, लेकिन उस सेट पे जाने के बाद कहीं ऐसा मुझे नहीं लगा कि ये हमारे एक्टर है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बिकॉज कहीं ना कहीं जब वो प्रोड्यूसर मेरे साथ थे तो एक फैमिली वाला जो माहौल था वहाँ पे, वो सब लोगों ने साथ में मिलके हम लोगों ने इतनी मेहनत करी एक फैमिली की तरह। हम ये नहीं बोल सकते कि हम कोई फिल्म बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम लोग घर पे और गेम खेल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और नहीं कौन अच्छा बेहतर एक्टर, स्विमिंग करते थे ये आपका क्वेश्चन था कि कौन बेहतर एक्टर है, तो अवधेश जी के लिए मैं कुछ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज अगर उनके संजय संजय पांडे जी इधर ही बैठे हुए हैं उनके लिए वर्ड्स हैं। अवधेश जी के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, बिकॉज जब वो एक्टिंग करते हैं अगर उनको कोई लाइन भी ना दो तो वो अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं, और एक आर्टिस्ट की बहुत बड़ी काबिलियत होती है कि वो अपने आंखों से एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। आई थिंक हम सब लोग उन लोगों से, उनसे सीखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से चलते हैं, उनका हर एक किरदार, मैंने उनके साथ अभी नहीं तो कम से कम 7 फिल्में करी हैं, और उनका हर एक किरदार बहुत ही अलग होता है, वो अपने आप को उस चीज़ में ऐसे ढाल लेते हैं कि वो तो आप चीज़ों को पूरा अपना लेते हैं जी। रही संजय जी की बात, तो उनसे भी पहली बार सीन भी नहीं था फिल्म में, आप अपने रोल के बारे में कितने संतुष्ट हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज मेरी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में नहीं तो फिल्म में 80% या 70% मेरा कैरेक्टर है, और रजनीश सर ने बहुत विश्वास किया, थैंक यू सो मच सर, और मैं अपने कैरेक्टर को लेकर थोड़ा सा नर्वस थी, बिकॉज मैंने रजनीश सर से डिस्कस भी किया था, पर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है रजनीश सर के डायरेक्शन में मैंने जो काम किया है, रजनीश सर एक ऐसे डायरेक्टर है कि वो एक्टर को निखारना जानते हैं, वो एक्टर को इतना कम्फर्टेबल कर देते हैं कि फिर आपके अंदर डर नहीं रहता, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं आपको करना है, और थैंक्स टू रजनीश सर की वो कॉन्फिडेंस सर के अंदर जगह है, और मैं अपने कैरेक्टर को लेके बहुत खुश हूँ। मेरी पहली फिल्म है जो 12 जुलाई को रिलीज होगी। क्या किरदार है इसमें? हाँ, तो ऐसा है कि सबसे पहले तो रोहित सिंह मटरू उर्फ भोजपुरिया मौसा का सबको प्रणाम। क्यों हंस रहे हो भाई? नहीं, नया नाम का। सब लोगों ने फिल्म के बारे में बता दिया, हमारे डायरेक्टर साहब रजनीश मिश्रा जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब प्रदीप शर्मा जी, मैडम, हमारे जितने फिल्म के कलाकार हैं सबको तिलक लगा है, राज सिर्फ मैं भोगा उस फिल्म में, तो तब बना है राज तिलक। YouTube पर आप लोग या जितने भी समाचार आप लोग जहाँ भी प्रसारित करेंगे तो उससे पोल खुल जाएगा पूरा फिल्म का। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे फिल्म का कोई भी पार्ट सब लोग अभी पहले जाने, जब तक थिएटर में नहीं। मटरू का मतलब है MATRU, पूरा इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ मटरू, मत टर रू, तो इसका मतलब भोजपुरिया मौसा जो खाते है खाली समोसा। मौसी अभी पटना में है, आप समझती है ना हिंदी? हाँ। जी थैंक यू। हाँ क्या अब तो ये है कहानी अपना। मैं सब लोगों को तिलक लगा, मैंने राज भोगा, तो राज तिलक। अब बाकी चीज देखने के लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा सारे दर्शकों को। और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं जवाब दूं सर। देखिए हम इनोसेंट आदमी हैं। हाँ इनोसेंट, मैं आई एम इनोसेंट मैडम।
like a character, but I have done a song in this film, not as a lead, but yeah, I love the way they have presented me in the film, they have presented this song in the film, and the teamwork for that whole teamwork and for that song. I have done this film, I don't know all that Bhojpuri and all, but in this song my lyrics are in Hindi, so I have done this, so yeah, I love this work. Madam, you enjoyed, huh? Enjoy song, no? Obviously, okay. I have enjoyed. Foreign kind of look, so where do you come from? Basically, you are from India or you are from? I am from India. I am actually from Hyderabad.